हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो है अमरावती यूनिवर्सिटी के ऊपर। सो अभी मैं अमरावती यूनिवर्सिटी के एग्जैक्टली बाहर हूँ, जो है बस स्टॉप के ऊपर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो आप यहाँ पे मेरे बैक साइड में देख सकते हो कि वो है तपोन गेट, और जो इस साइड में है अमरावती यूनिवर्सिटी है, तो इसके वजह से आपको दिखेगा नहीं। और आज मेरे साथ है अंकित, और हम दोनों आज जाने वाले हैं वीडियो शूट करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप यहाँ पे बैक में देख सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में पूरी अमरावती यूनिवर्सिटी दिखा सकूं, इसलिए हम गाड़ी से ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि पैदल ट्रैवल किया तो बहुत देर हो जाएंगी हमें एक एक स्पॉट तक पहुंचने के लिए। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है इस वीडियो को बनाने में। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो अमरावती यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा, और यहाँ से हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अमरावती यूनिवर्सिटी का, मतलब जो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, यहाँ के यहाँ पे आप उसका मेन जो एंट्रेंस गेट है वो देख सकते हो। और यहाँ पे दो वॉचमैन बैठे हैं, और यहाँ पे पार्किंग की भी जगह है। और यहाँ पे हम अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। सो अभी हम बारिश के दिनों में आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही हरा भरा मौसम है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ के जो रोड्स हैं वो भी आप अच्छे से देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रोड्स पे, खड्डे वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। सो अभी हम अमरावती यूनिवर्सिटी के यहाँ पे सेंटर में जाएंगे, और वहाँ पे जो मैप है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से लोकेशन पे क्या क्या लोकेटेड है। सो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। और जो हमारा जो जहाँ पे हम मैप देखने वाले उसके आगे ही बस स्टैंड भी है, सो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। गाइज, अभी हमने एंट्री ले ली है अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो कि जो मैप है पूरा अमरावती यूनिवर्सिटी का हुआ है बैक साइड पे। सो मैं आपको हर रोड तो एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि कौन सा रोड कहाँ पे जा रहा है, तो हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट की ओर चलेंगे, और एथलेटिक ग्राउंड जो भी है यहाँ पे वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहे, और अपने दोस्तों को भी हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो अभी हम जाएंगे डायरेक्ट एथलेटिक ग्राउंड के ऊपर, आपको दो तीन ग्राउंड दिखा देते हैं, और फिर डिपार्टमेंट की ओर भी हम जाने वाले हैं। गाइज, अभी हम घूम रहे हैं अमरावती यूनिवर्सिटी गाड़ी के ऊपर से, और यहाँ पे मेरे जो इस साइड में आप देख सकते हो है गेस्ट हाउस, और आगे बहुत सारे। हाँ ना भाई, तेरे को ले रहा मैं वीडियो में, ऐसा मत कर अभी तू। और इस साइड में आप देख सकते हो कुछ तो भी इंटरनेशनल क्वालिटी बाप रे, क्या बोला रखी तूने। सो गजब बेइज्जती है। तो इस साइड देख सकते हो कौन से डिपार्टमेंट है, और आपने क्या हर झाड़ के ऊपर जब देखोगे ना तो अलग अलग कोट्स लगे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ज़रा सा जूम करके। और इस साइड में गार्डन भी है एक, और अक्की यहाँ से एक लेक भी आता मेरे अंदर से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखो वहाँ पे चलता क्या, यहाँ पे लगा सकते गाड़ी। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ तो भी अलग जगह जाने के। यहाँ से सीधा जाना है ना, रुका देना गाड़ी, पैदल चले जाएंगे जरा, ऑफ रोडिंग करेंगे ना जरा। नहीं 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 ना भाई, तो आ गया तो मेरे को उठा के लिख दिया। हाँ, तेरे को किडनैप भी करने वाले हैं, तो मेरे चाहने वाले बहुत हैं भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। अभी अक्की मोर। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे वहाँ पे एक मोर है। अबे कहाँ पे है? अबे वो देख, मैं वहाँ पे बैठा है ना, अबे वो देख उसके सीधा ऐसे किधर है। अबे वो झाड़ का रहता ना, वो देख वहाँ पे बैठा है। तो मैं जूम कर, गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मोर है, पर आपको मेरे कैमरे से तो नहीं दिखेंगे इतना अच्छा, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमारे चैनल को, तो हमारे पास अच्छा कैमरा ही नहीं है आपके वजह से। गाइज, यहाँ पे है वाटर कंजर्वेशन वर्क, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी है उसके बारे में, और यहाँ पे वैसे जाना तो नहीं चाहिए था, पर अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे लेक बनाया है, और आगे कुछ तो भी ब्रिज भी है उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए, वो देख लिया है लेक। सो अभी हम जाएंगे दूसरे लोकेशन के ऊपर। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर झाड़ के ऊपर कुछ तो भी लिखा है, मतलब कोट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पर अभी मेरे अंदर से सारे डिपार्टमेंट बंद है, सो अभी हम उसके अंदर जाके देख तो नहीं सकते कि अंदर क्या है, सो अभी हम आगे जाने वाले।
तो गाइज आपने पीछे देख लिया होगा कि हमें गाड़ी रखनी पड़ी थी हमारी, क्योंकि वो वॉचमैन ने हमें, मतलब जो यहाँ पे गार्ड्स है उन्होंने नहीं बोला हमें अंदर गाड़ी लेके जाने के लिए। सो हम आज जाने वाले एक वहाँ पे आगे ही एक स्विमिंग पूल है, एक लेक है और अटलांटिक का ग्राउंड भी है। और आप मेरे इस साइड पे भी देख सकते हो कि एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे आते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। अरे तू आ रहा ना तेरे को ले रहा वीडियो में। और इस साइड पे एक गेस्ट हाउस भी है। तो अभी हम आगे जाने वाले हैं और एक स्विमिंग पूल आपको दिखा देंगे। अंदर जाने मिला हमें तो हम अंदर से भी शूट दिखाएंगे और एक वहाँ पे लेक है। सो देखते हैं हमें क्या जो जो ओपन होगा, जहाँ जहाँ पे ओपन होगा प्लेसेस, मतलब जाना अलाउड होगा वहाँ पे हम जाएंगे और आपके लिए ज़रूर शूट करेंगे। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, मतलब जो है फिजिकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो है। सो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो। सो जो ये फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसके एग्जैक्टली साइड में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और उसके अपोजिट साइड में भी एक ग्राउंड है और वहाँ पे मतलब एक एथलेटिक का ग्राउंड है और बास्केटबॉल का कोर्ट है और बहुत ही अलग अलग ग्राउंड्स हैं। सो मेरे अंदर से यहाँ पे चार पांच और भी अलग अलग ग्राउंड्स हैं। सो अभी हम बढ़ेंगे उन ग्राउंड्स की तरफ और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके एग्जैक्टली जो फ्रंट साइड है, मतलब बाहर से वहाँ पे बहुत दिनों से एक जिला स्टेडियम की जगह थी। सो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। सो जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाएंगे तब आपको मैं वो भी दिखा दूँगा। तो गाइस ये है क्रिकेट का ग्राउंड और मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे बास्केटबॉल का भी ग्राउंड है। वो मार मत रहे मेरे को। सो ये बास्केटबॉल का ग्राउंड और आगे एक अटलांटिक का ग्राउंड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ पे एक जो आपको टंकी दिख रही है पीछे, वो है वाटर पानी की टंकी है। आपकी पानी नहीं, पेट्रोल, पेट्रोल की टंकी। बाप रे चूतिया लिखा है क्या? बहुत अमीर हो गई रही यूनिवर्सिटी, पेट्रोल की टंकी रखेंगे। फ्री पेट्रोल मिल रहा है, 50 रुपए लीटर। इतना सस्ता कि यहाँ पे आना पड़ेगा फिर भरने के लिए। आने में 200 का लग जा रहा है इधर अंदर घुसने में। पैदल लेके हाथ से लेके जाना पड़ता गाड़ी में डालना। ये बहुत खराब काम। सो गाइज यहाँ पे है वो अटलांटिक का ग्राउंड, पर बारिश की वजह से पूरी वो घास वास आ चुकी है। सो अभी ग्राउंड तो बंद है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो एंट्री का उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो इस साइड में देखिए एक दो टेकड़ी भी है, हम इसके ऊपर से जा सकते हैं, बट बहुत देर हो जाएंगे हम ऊपर गए तो, इसलिए हम अभी दूसरे साइड पर जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो ग्राउंड्स थे वो दिखा दिए हैं जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साइड में थे। गाइज अभी हम पहुंच ही गए हैं स्विमिंग पूल के आगे। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो स्विमिंग पूल की है। तो अभी हम देखते हैं जब ओपन होगा तो हम अंदर जाएंगे और आपको स्विमिंग पूल दिखाएंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर लोकेटेड है। और वहाँ पे एक प्रतिबंधन क्षेत्र भी है। क्या है कि टाइगर है बोलते, कि टाइगर नहीं मैं रहता बोलते। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तू टाइगर जिंदा है यहाँ पे? मैं बोला ना गिरा है, क्या बोला? अच्छा आपकी बोल रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉट, वो क्या रहता जो ऊपर से गिरता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अच्छा ठीक है तो देख लेते हैं। अभी देख मैं बोला सच्ची, चल आपको भी दिखा देता हूँ। दिख कर लेके आ, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे कुछ तो बहुत ही बड़ा खोल है और मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा शूट दिखा देता हूँ। क्योंकि हम पत्थर फेंकता, बहुत खोल है। संजना काय को ही कर रहा तू? रंजन रंजना काय को भाला फेंक कर रहा है तू? कुछ नहीं हो, लकड़ी थी ऊपर ही रहेगी, पचका हो गया तेरा। नहीं ना बे, बहुत अंदर रही है, हम आए थे देखने। जाने दे। और यहाँ पे आगे प्रतिबंध है। चलो फिर आता मैं। चलो बुला रही थी। चलो जिंदा रहना सिर्फ। जाता के स्विमिंग करने? आना पड़ता ना, अपन आ सकते ना। यहाँ पे जाता के स्विमिंग करने? स्विमिंग पूल है यार इतना बड़ा, वहां पे निकल। गाइस हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल के वहां पे, और यहाँ पे जो स्टेडियम जैसा बनाया है हमने ऊपर से बैठने के लिए, तो हम ऊपर की जगह पे आ चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ से आपको पूरा स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, और आप भी यहाँ पे आना चाहोगे तो आप आ सकते हो। यहाँ की फीस तो पता नहीं कितनी है, पर आप यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए ज़रूर आ सकते हो। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं अभी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ, मतलब यहाँ पे जब मैचेस चालू होंगे तब लोग आते भी होंगे बैठ सकते हैं। मुझे इतना पता नहीं स्विमिंग के बारे में।
सो अभी हम जाने वाले हैं कैंटीन में और देखते हैं अभी कैंटीन चालू होगा तो मैं आपको अंदर भी जाएंगे, हम नाश्ता वगैरह देखेंगे वहाँ पे कर सकते, या फिर हम अमरावती मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर जाएंगे वहाँ पे हम डोसा वगैरह खाएंगे। सो सबसे पहले हम कैंटीन में जाएंगे, आपको कैंटीन दिखा देते हैं अमरावती यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद देखते हैं हम क्या कौन सी लोकेशन रहेगी आपको बताने की और फिर वो आपको दिखा देंगे। गाइस यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो ये है यहाँ का बस स्टॉप जहाँ पे सिटी बस वगैरह रुकती है। तो अभी हम जाने वाले हैं कैंटीन की तरफ, तो अभी चलना भी कैंटीन की तरफ से जाए तो उसका नहीं है म्यूजिक। भाई इतना नहीं मिलेगा, नाश्ता मिलेंगे आपसे। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कैंटीन के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यूनिवर्सिटी की कैंटीन, और अभी तो नाश्ता बनने का तैयार है, सब खाली खाली है और यहाँ पे कोई है भी नहीं वैसे। सो अभी हम थोड़ी देर टहलते हैं यहाँ पे और फिर बाहर जाएंगे। सो गाइस ये है यहाँ की कैंटीन, कैसी लगी आपको? खाना नहीं है तो कैसी लगेंगी, खाना होने तो फिर अच्छी लगती कैंटीन। एनीवे अरे इतने सुबह आएगा तू क्या बनाएंगे रे तेरे लिए? काका पनीर की सब्जी है क्या? नहीं है। तो गाइस हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो हम आज हम आए थे व्लॉग शूट करने, बहुत मजा आ रहा है। कितने बार आ रहा तेरे को मजा ही आ रहा किसी मजे के लिए हम। गाइस अभी हमने कैंटीन देख ली है और अभी हम जाएंगे मतलब सभी जगह देख ली है, अभी हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बाहर जाएंगे और वहाँ पे हम नाश्ता कर लेते हैं अभी। मैं भी, हाँ तू भी, तेरे को खिलाऊंगा टेंशन मत ले। सो गाइज यहाँ पे आप जो मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो वो है बैंक की बिल्डिंग जो है महाराष्ट्र बैंक, और जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। और यहाँ पे नहीं क्या मेरे अपोजिट साइड में नहीं क्या एक पार्क भी है और आगे भी दो तीन डिपार्टमेंट और भी है, जैसे कि यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हो है कर्मचारी भवन, और उसके ही साइड में है परीक्षा विभाग, उसकी आप बिल्डिंग देख ही सकते हो। और यहाँ पे सामने पार्किंग का भी एरिया है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी साइकिल वगैरह पार्क भी कर सकते हो। सो दोस्तों अभी हम यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे इस शॉप पे हमने डोसे का ऑर्डर दे दिया है। सो गाइज मैंने आपको पूरी यूनिवर्सिटी अच्छे से दिखा दी है, मतलब मुझे जो जो लोकेशंस पता थे यूनिवर्सिटी में मैंने आपको सब दिखाया। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, तब तक हम डोसे को एन्जॉय करते हैं।